सावनेर थानेदार मारुति मुलुक को फोन कर सूचना दी कि WCL सावनेर में एक वानर को बिजली का करंट लग गया है और वह बेहोश होने की खबर मिलते ही उन्होंने तुरंत हित ज्योति फाउंडेशन के समाजसेवी हितेश बंसोड़ को मदद की गुहार लगाई। जानकारी मिलते ही हित ज्योति फाउंडेशन की टीम घटनास्थल रवाना होकर घटना की ठीक से जांच करने के बाद एक वानर को बिजली के खंभे से करंट लगने से वह सदमे के कारण बेहोश लेटा हुआ पाया। उसे प्राथमिक उपचार हेतु सावनेर ले जाया गया और थानेदार मारुति मुलुक ने उक्त घटना की जानकारी तुरंत वन रक्षक पंकज लामसे को देकर बंदर को प्राथमिक उपचार देने के बाद आगे के उपचार हेतु वन विभाग के वन रक्षक पंकज लामसे, बंडू सोनटक के चालक पंकज कोल्हे को सौंप कर मानवता का परिचय देते हुए एक मूक प्राणी के प्राण बचाने हेतु तत्परता दिखाई। एम्बुलेंस लोगों को जीवन देने का काम करती है, लेकिन जब हितेश बंसोड़ की एम्बुलेंस मूक जानवर की जान बचाने के लिए दौड़ी है तब से क्षेत्र के नागरिकों ने उसके काम की सराहना की है। उनकी और थानेदार की तत्परता की वजह से घायल वानर को जीवन दान मिला। इस अवसर पर बोलते हुए सामाजिक कार्यकर्ता हितेश बंसोड़ ने कहा कि वन और पर्यावरण के रक्षण हेतु जंगली जानवर पशु पक्षियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इनका संरक्षण करना समय की मांग है। सृष्टि के चक्र को जारी रखने के लिए वन्य जीवों की रक्षा करना आवश्यक है। प्राचीन काल से ही वानर को भगवान का स्थान दिया गया है और आज एक मूक प्राणी के प्राण बचाने के लिए हित ज्योति फाउंडेशन और उनकी टीम सदैव तत्पर होने की बात कही। सावनेर से NBCN न्यूज के लिए किशोर ढुंडेली की रिपोर्ट।